कितने बजे शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच वार्म अप T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आगाज टीम इंडिया कर चुकी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए वार्म अप मुकाबले से। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया अपना एक और वार्म अप मुकाबला न्यूजीलैंड टीम के साथ खेलने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही किन 11 खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया इस मैदान पर उतरेगी इस मुकाबले में। इस मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे कि आप इस मुकाबले को किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करें टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें दोस्तों, तो इस टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफ़ी शानदार हैं। गेंदबाजी की हम बात करें तो इस टीम के पास टीम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वहीं पर ऑलराउंडर में जिमी निसम, ब्रेसवेल और साथ ही साथ इस सोडी भी मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर इस टीम के ऑलराउंडर और गेंदबाज काफ़ी शानदार हैं। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के पास भी गेंदबाजी काफ़ी शानदार है। तो वहीं पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी फिलहाल काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी काफ़ी शानदार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए अभी भी हर्षल पटेल की फॉर्म थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि हर्षल पटेल ने अब तक वार्म अप मुकाबलों में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है, जबकि बाकी के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज की, तो फिलहाल सबसे बेहतरीन फॉर्म में अर्शदीप सिंह चल रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई है। तो वो यहां पर एक बार फिर कमाल कर सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। वैसे भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा निगाहें उन्हीं पर रहेगी। जबकि दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से फिन एलन, डेविन कॉनवे, मार्टिन गप्टिर और ग्लेन फिलिप्स फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि टीम के कप्तान केन विलियमसन भी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ग्लेन फिलिप सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं, उनके साथ डेविन कॉनवे ने कमाल किया है। तो वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जान लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिरकार टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे हमें KL राहुल और रोहित शर्मा। दो बेहतरीन प्लेयर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे और टीम इंडिया के लिए इन दोनों खिलाड़ियों से शानदार उम्मीद रहेगी कि वो बेहतरीन शुरुआत करें टीम इंडिया के लिए और T20 वर्ल्ड कप में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस करें। तो यहाँ पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और KL राहुल की रहेगी। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया की तरफ से रन मशीन विराट कोहली। विराट कोहली से भी यहाँ पर कमाल की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि फिलहाल उनकी फॉर्म काफ़ी शानदार है और वो इसी फॉर्म को अगर बरकरार रखते हैं तो टीम इंडिया एक बार फिर यहाँ पर शानदार शुरुआत के साथ बड़ा स्कोर भी बना सकती है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें नंबर 4 की, तो इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरेंगे जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े प्लेयर साबित होने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 पर हमें हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 6 पर उतरेंगे दिनेश कार्तिक। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक दोनों से यहाँ पर बेहतरीन फिनिश की उम्मीद टीम इंडिया करेगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें नंबर 7 की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर नंबर 8 पर हमें भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 9 की हम बात करें तो यहां पर हमें हर्षल पटेल दिखेंगे, जबकि नंबर 10 पर यजवेंद्र चहल उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 11 पर हमें अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम की गेंदबाजी बल्लेबाजी बेहतरीन लग रही, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम भी कमाल की टीम है। वहीं पर अब हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कितने बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाना है, जो कि खेला जाएगा 19 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 से आप इसे लाइव देख सकेंगे। यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर लाइव आएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।